हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और इधर एक लैम्डा गिवन है, और ये कहा गया है कि ये फंक्शन लैम्डा की किन वैल्यू के लिए एक्स इक्वल जीरो पर कंटिन्यूस है और इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो गिवन फंक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए आपको बता रखा है कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो फंक्शन जहां पर ब्रेकेबल है एक्स इक्वल जीरो पर है, तो यहां पर एक्स इक्वल जीरो रखेंगे। अब ये कह रहा है कि एक्स जो जीरो से लेस है, मीन ये वैल्यू जो एक्स की है इनके लिए फंक्शन डिफाइन है लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये लेफ्ट साइड में डिफाइन है जीरो के। राइट साइड में एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन है 4x+1, और ये कहां तक जाएगा प्लस इंफिनिटी और इधर जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब एक्स इक्वल जीरो के लिए कंटिन्यूस है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे जीरो पर इसकी LHL RHL, क्योंकि लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है राइट साइड में अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स इक्वल जीरो के लिए क्या फाइंड करेंगे LHL, तो LHL का फॉर्मूला लिखेंगे। तो LHL का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, आगे एफ एक्स वैल्यू रख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एफ एक्स जो लेफ्ट पार्ट में है वो डिफाइन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए एक्स वैल्यू जीरो रख देते हैं। तो यहां पे लैम्डा रखा एक्स वैल्यू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो, और ये सॉल्व होके क्या मिलेगा हमें, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होके ये दे देगा हमें जीरो। ठीक बेटा, यहां तक समझ में आया होगा। अब निकालेंगे हम आर एच एल, सेकेंड पार्ट आर एच एल। तो आर एच एल का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल, अब फंक्शन वैल्यू रखी जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एफ एक्स जो जीरो से प्लस में है वो डिफाइन है हमारा 4x+1। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक्स वैल्यू जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 1 इक्वल, आंसर आएगा 1। और थर्ड पार्ट होता है हमारा फंक्शन वैल्यू एफ जीरो। एफ जीरो कहां से पता चलेगा कि ये जो इक्वल दे रखा है इस वाले पार्ट में, जहां इक्वल दे रखा है उसमें एक्स वैल्यू रखी जाती है, तो यहां पर रखेंगे लैम्डा जीरो का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो, ये सॉल्व होके आंसर मिलेगा जीरो। अब हमें यहां से पता चला कि एल एच एल वैल्यू जीरो है, आर एच एल वैल्यू वन है, और ये इक्वल नहीं है किसी भी लैम्डा के लिए। ठीक, तो यहां लिखेंगे कि एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अगर ये एल एच एल आर एच एल इक्वल आते और लैम्डा की कुछ वैल्यू रखनी होती, तो हम लिखते इधर कि लैम्डा के इन इन वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहां पे एल एच एल आर एच एल ही इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई और लैम्डा की फॉर्म में नहीं आई, इसलिए ये हमारा एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं आए, इसलिए एक्स इक्वल जीरो पर किसी भी लैम्डा वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आगे पूछा गया, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल वन, तो ये कहा गया है कि लैम्डा की किन वैल्यू के लिए ये फंक्शन एक्स इक्वल वन पर कंटिन्यूअस होगा। जैसे जीरो के लिए किया, ऐसे आपको वन के लिए करना है। ठीक, तो इसको समझते हैं बेटा आगे। तो इधर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके को, तो फंक्शन को लिख लेते हैं बेटा। फंक्शन जीरो पर ब्रेकेबल है, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, और इधर ये डिफाइन है 4x1+1, और इधर ही हमारा वन आएगा कि जीरो के बाद हमारा वन आता है। अब वन के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है और राइट में यही फंक्शन है, तो अब वन के लिए
हम एलएचएल आरएचएल निकालते हैं, तो एलएचएल निकालेंगे बेटा, तो फॉर्मूला लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, और जीरो पर लगाएंगे यहां पे माइनस, ये फॉर्मूला हुआ। अब फंक्शन वैल्यू पुट कर लेंगे, वन पे कर रहे हैं बेटा, है ना, जीरो पे नहीं, वन पे। तो यहां वन लिखेंगे, अब वन के लेफ्ट में भी फंक्शन है 4x प्लस वन, सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर, 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 5। इसी के लिए RHL निकालेंगे, RHL का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू 1, और राइट साइड में भी क्या है बेटा 4x प्लस 1, ये सॉल्व होगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, आंसर आएगा 5। और थर्ड पार्ट फंक्शन वैल्यू f1, 1 पर भी यही फंक्शन है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये इधर भी 5 मिलेगा। तो यहां पता चला कि LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन वैल्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू सेम है और इसमें कोई लैम्डा है नहीं, तो ये सारा पार्ट LHL RHL फंक्शन वैल्यू ऑल लैम्डा वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे LHL RHL फंक्शन वैल्यू इक्वल है, तो ये इंप्लाइज कर देगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल वन, ठीक, लैम्डा की वो कोई भी वैल्यू ले लो, सभी LHL RHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। और पिछले वाले पार्ट में यहां पता चला था लैम्डा की वैल्यू कुछ भी लो, ये LHL RHL इक्वल नहीं होंगे। अगर यहां पे लैम्डा आता, जैसे यहां पे आता 1 माइनस, यहां पे आता हमारा 1 माइनस लैम्डा वैल्यू आती इसकी सॉल्व होके लैम्डा की फॉर्म में, ठीक, और यहां पे लैम्डा की वैल्यू 0 रखते तो ये 1 1 1 हो जाता, है ना, या ऐसा होता जैसे 0 ये आ रहा है, 0 ये आ रहा है, तो यहां आ जाता, इसका फॉर्म आ जाती 1 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 1 रखता मैं तो ये भी तीनों इक्वल हो जाते, ठीक। तो इस तरह से तीनों इक्वल होने पर ही तो ये कहा जाता है कंटिन्यूअस है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि किसी भी लैम्डा के लिए ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, पर ऑल लैम्डा वैल्यू के लिए ये फंक्शन x = 1 पर कंटिन्यूअस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।